इंदौर में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही लगातार जारी है। प्रशासन की टीम ने कुख्यात बदमाश धर्म ठाकुर के नयापुरा स्थित अवैध मकान को ध्वस्त किया है। इस दौरान जहां पुलिस को दो तलवार और एक चाकू मिला है, महिलाओं ने प्रशासन की कार्यवाही का जमकर विरोध किया। हालांकि अधिकारियों के सामने उनकी एक नहीं चली। सरकार के सख्त आदेश के बाद मिलावटखोर और कुख्यात बदमाशों के खिलाफ पिछले कई दिनों से निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इंदौर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम रविवार की सुबह एरोड्रम थाना क्षेत्र पहुंची, जहां धर्म ठाकुर के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। हालांकि इस दौरान घर में मौजूद महिलाओं ने प्रशासन की कार्यवाही के खिलाफ जमकर हंगामा किया। कर्मचारी ने घर में रखे सामान को बाहर निकालकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान दो तलवार भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। अभिजीत सिंह और दीपक सिंह के साथ ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। पैरेलल चल रही है, उसमें अभी मकान निर्माणाधीन था, वहाँ एक अलग टीम गई हुई है, वो कर रही कार्रवाई। उसका नाम मुझे पता नहीं है, नाम अभी ध्यान नहीं मुझे, लेकिन वो भी तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, वो भी गुंडा लिस्ट में। कितना एरिया रिमूव कराया होगा आज? हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये तो काफ़ी बड़ा मुझे लगता है, ये करीब 1.5 एकड़ 2 एकड़ करीब ज़मीन है, और मकान तो मुझे लगता है ये कुल 1,500-2,000 स्क्वायर फीट में बना होगा। पुराना टपरा जैसा मकान था, उसको तो तोड़ दिया गया है। और ज़मीन का पता करते हैं अभी। यहाँ पहले इन लोगों ने ये जो रोड बन रही है, आप लोगों ने देखा मेरे दाहिने तरफ रोड बन रही है, इसको रोड को भी नहीं बनने दिया था। और इन लोगों की इस इलाके में बड़ी दादागिरी गुंडागर्दी थी और कई मतलब संगीन किस्म के अपराध इनके नाम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।